अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की प्रदेश महासचिव फाल्मा चौहान ने बताया कि अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति जिला कमेटी की बैठक हो रही है। आने वाले समय में अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति प्रदेश सरकार के विरुद्ध अपना आंदोलन तेज करेगी। सरकार की जो नव उदारवादी नीतियां हैं, जो कि निर्मम के साथ साथ लोगों पर बढ़ाई गई है, इन नीतियों का असर आम महिलाओं आम लोगों पर पड़ रहा है और इससे सभी का जीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की प्रदेश महासचिव फाल्मा चौहान ने कहा कि निजी स्कूलों ने अपनी फीस में वृद्धि कर मनमानी ढंग से वे फीस वसूल रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि रोजमर्रा की चीजों के दामों में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है, सरकार इन दामों पर अंकुश नहीं लगा पा रही है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में भाजपा की RSS की सरकार है और ये सरकार महंगाई को रोकने में बिल्कुल ही विफल रही है और देश व प्रदेश की जनता के साथ अन्याय कर रही है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। आज हमारी यहाँ पर जिला कमेटी की मीटिंग हो रही है। आने वाले समय में अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति इस संघर्ष को और ज़्यादा तेज करेगी। आप लोग देखेंगे कि सरकार की जो नव उदारीकरण की नीतियाँ वो इन्होंने बड़ी निर्ममता से नीचे लोगों के ऊपर बढ़ाई है, तो इन नीतियों का जो असर है वो आम महिलाओं पर आम जन पर बड़ी उसे पड़ा है। तो इसके लिए आप लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से इन लोगों ने महंगाई का जो है, महंगाई में आप लोग देखिए कि जो आवश्यक जो वस्तुएँ हैं, आपका दूध है, आपका ब्रेड है, आपकी दालें हैं, आपकी सब्जियां हैं, आपका फ्रूट है, किस तरीके से इन लोगों ने दाम बढ़ाए। और जो कंपनियां हैं उन कंपनियों की मनमानी है, सरकार उनके ऊपर निरंकुश नहीं लगा पा रही है। और ये जो भाजपा RSS के नेतृत्व में जो सरकार है हिमाचल प्रदेश में और केंद्र की जो सरकार है, ये महंगाई को रोकने में बिल्कुल विफल रही है और देश और प्रदेश की जनता के साथ ये लोग अन्याय कर रहे हैं कि इतना महंगी जो हर चीज़ है, जो सामग्री है, घर आप लोग देखेंगे कि जो घर बनाने की जो सामग्री है वो कितनी महंगी होगी है, सरिया, ईंट, रेता, रोड़ी, मतलब हर एक चीज़ जो है जो मकान में यूज़ होती है, आपकी इस्तेमाल होती है, वो जो मटेरियल है वो आपका कितना महंगा हो गया है। इसलिए सरकार को उन कंपनियों के ऊपर लगाम लगानी चाहिए और इस महंगाई को अपने कंट्रोल में करना चाहिए। आने वाले समय में हमारा 2 और 3 जुलाई को राज्य स्तरीय ये सम्मेलन होने जा रहा है मंडी जिला में, और इस सम्मेलन की तैयारी के लिए हम लोग आज भी यहाँ पर वो कर रहे हैं, तैयारियां कर रहे हैं कि किस तरीके से हम लोगों ने इस सम्मेलन को करना है और क्या क्या हमारे मुद्दे, मुख्य मुद्दे रहेंगे उस सम्मेलन के, जो उस सम्मेलन में हम लोगों ने लेकर के जाना है और आने वाले समय की जो हम लोग उस सम्मेलन में रूपरेखा बनाएंगे। सही कहा आपने, हम ये कह रहे हैं कि आपने वहाँ पर तो बहुत बड़े बड़े वायदे कर दिए महिलाओं से, बहुत बड़े वायदे कर लिए कि हम महिलाओं को बसों में 50% की छूट देंगे, लेकिन अभी तक और जो पानी के जो बिल है वो आपके मुफ्त में दिए जाएंगे, आपकी 125 यूनिट जो बिजली वो फ्री में दी जाएगी। इस देखिए, इससे कोई महंगाई घटने वाली नहीं है औरतों की, क्योंकि उसकी रसोई का जो बजट है वो बड़ी बुरी तरह से गड़बड़ा गया है। आप लोग देखेंगे हमारा जो LPG का जो सिलेंडर है वो 1140 रुपये का हो गया है और कमर्शियल जो सिलेंडर है वो 2600 रुपये के कुछ करीब हो गया है। तो ऐसी परिस्थिति में जो महिला है वो अपने बच्चों को क्या खिलाई पिलाएगी? आपका जो रसोई का जो सिलेंडर है वो आपका, जिसका 5 का परिवार है, वो जो सिलेंडर है आपका 20 दिन नहीं चलता। दूसरी ओर आप सरकार की वो देखिए कि आपका जो सब्सिडी है वो 3100 रुपये की सब्सिडी आपके खाते में आती है। तो ऐसी सरकार, ऐसी जो कंपनियां हैं जिसके ऊपर इस सरकार का कोई निरंतर कोई नियंत्रण नहीं है, तो इसलिए मैं ये कहना चाहूँगी कि ये सरकार इन कंपनियों के ऊपर नियंत्रण करे और लोगों को मतलब इस जो आर्थिक बोझ के नीचे जो लोग लदे हुए हैं उनको राहत प्रदान करें। चाह रही हूँ कि आप लोगों ने देखा हमारे जो सरकारी स्कूल है उनकी हालात क्या है। मैंने परसों ही खबर में पढ़ा कि 150 स्कूल हिमाचल प्रदेश के ऐसे हैं जहाँ पर एक भी छात्र ने एडमिशन नहीं, दाखिला इस साल नहीं लिया है, और उसके साथ साथ 2000 कुछ पद हमारे खाली पड़े जिसको सरकार भर नहीं रही है। और उसके बावजूद जनता क्या करेगी, लोग क्या करेंगे? लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में भेजेंगे, लेकिन वहाँ पर लोगों को भेजने की मजबूरी है। इसलिए जो प्राइवेट स्कूल है उन्होंने अपनी मनमानी चलाई हुई है और मतलब महीने की जो फीस है वो 5000 और 6000 रुपये के करीब है। और हम लोगों ने इस सरकार को पिछली साल में चेताया और पूरे लॉकडाउन में हमने इस सरकार को ये चेताया कि आप विधानसभा में बिल लाइए, इस फीस को रेगुलेट करने के लिए आप लोग बिल लाइए, लेकिन
इस बीजेपी की सरकार ने, हिमाचल प्रदेश की बीजेपी की सरकार ने हिमाचल की जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है इस बिल को ना ला करके, क्योंकि जो प्राइवेट स्कूल है वो अपनी मनमानी करके अपने मनमाने तरीके से लोगों की जेबों में, अभिभावकों की जेबों में डाका डालते हैं। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगी कि हिमाचल प्रदेश की सरकार समय रहते इस बिल को विधानसभा में लाए और ताकि हिमाचल प्रदेश की जनता को राहत मिले। सिटी चैनल के लिए कुल्लू से दिलीप ठाकुर की रिपोर्ट।